गाइस, 15 अगस्त बहुत ही ज़्यादा पास है एंड 15 अगस्त हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे होता है क्योंकि वो दिन होता है हमारी स्वतंत्रता दिवस का दिन। एंड गाइस, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड तिरंगा हमारी शान, मान, जान सब कुछ है। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ तिरंगा इंस्पायर्ड मेकअप लुक। तो गाइज, इस वीडियो के लिए ना काफ़ी टाइम से मैंने सोच के रखा था, सो फाइनली आज ये वीडियो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, तिरंगा इंस्पायर्ड मेकअप लुक। तो सबसे पहले मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि आप अपने नेल पेंट्स को कैसे तिरंगे के कलर में बना सकते हो। तो आपको उसके लिए ले लेना है 3 कलर। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 3 कलर। एक लिया है मैंने सिल्वर, क्योंकि मेरे पास वाइट नहीं था। अगर आप चाहो तो आपके पास में वाइट अवेलेबल हो तो आप वाइट ले सकते हो। उसके बाद मैं आपको ले लेना है ऑरेंज कलर। तो सारे नाखून में आपको अच्छे से लगा लेना ऑरेंज कलर को। उसके बाद में आपको साइड में ग्रीन कलर लगा लेना है। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने तिरंगे का कलर बना लिया है अपने नेल्स पे, तो आप देख सकते हो। तो गाइज, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा मेकअप। एंड अगर कहीं पर भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा मेकअप करना नहीं आता। फिर भी मैंने एक छोटा सा ट्रायल किया है क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा मन था इसलिए। एंड यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे फेस मेकअप। तो गाइज, ये बहुत ही सिंपल सा मेकअप करने वाली हूँ मैं, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं। तो यहाँ पर मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ निविया का, जो कि मेकअप करने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड इसके बाद में मैं यूज़ कर रही हूँ लिप बाम, जो कि निविया का है। एंड लिप्स को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने फेस को और लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया है। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ फेयर एंड लवली क्रीम। तो गाइस, ये जो क्रीम होता है वो हमारे स्किन को बहुत ही इंस्टेंट वाइटनिंग देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा मेकअप लुक करना है तो मैं फाउंडेशन वगैरह का यूज़ बिल्कुल नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और आप देखोगे कि इंस्टेंट शाइन देता है ये हमारे स्किन को। अब हम करेंगे आई मेकअप। तो गाइज, आई मेकअप करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है मिस रोज़ का आई पैलेट, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है। तो यहाँ पर मैं 3 कलर लेने वाली हूँ। तो मैं फर्स्टली ले रही हूँ वाइट कलर। व्हाइट कलर को लेके अपने आईज़ पे बहुत अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो गाइज, ये एज अ बेस ले रही हूँ मैं वाइट कलर। तो आपको भी यहाँ पे अच्छे से वाइट कलर लेना है, या फिर अगर आपके पास में वाइट कलर नहीं है तो आप सिल्वर कलर भी ले सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से सिल्वर कलर से भी हम ये वाला आई मेकअप कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख रहे हो बिल्कुल भूतनी लग रही हूँ मैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑरेंज कलर लेना है। ऑरेंज कलर लेके आपको आपके आईज़ पे अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो मैं उंगली से इसलिए ब्लेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना सूटेबल लगता है। ब्रश से लाइक आँख के नीचे ना पूरा से फैल जाता है, बाद में मैं ब्रश थोड़ा सा उसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ करती हूँ, दैट्स इट। तो यहाँ पर अब मैं कॉर्नर पर ले रही हूँ ग्रीन कलर। तो बस वही सेम है कि हमें हमारा तिरंगे का जो कलर होता है वही वाला कलर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ब्रश की हेल्प से। अब मैं इसे बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑरेंज कलर शायद थोड़ा सा कम हो गया है, तो यहाँ पर मैंने फिर से ब्रश में ऑरेंज कलर लिया और उसको अच्छे से ब्लेंड। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ब्राउन कलर अपनी आईब्रोज को फिल करने के लिए, और यहाँ पर मैं अपने आईब्रोज को अच्छे से फिल कर रही हूँ। इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया हुआ है NYB का आईलाइनर। तो गाइस, ये आईलाइनर बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप आईलाइनर लवर हो ना तो इसे डेफिनेटली ट्राई करिएगा। ये वाटरप्रूफ होता है, स्मच प्रूफ होता है और 12 घंटे आपकी आईज़ पे बिल्कुल वैसे ही टिका होता है जैसे आप इसे लगाते हो, बिल्कुल भी स्मच नहीं होता। तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लूज पाउडर ताकि मेरा जो मेकअप है वो थोड़ा सा इन्हेंस हो जाए। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लश। तो गाइज, पिंक कलर का ब्लश लिया मैंने और उसे बिल्कुल अच्छे से लगा रही हूँ। इसके बाद में मैंने लिया था ब्राउन कलर का ब्लश और उसे लेकर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। इसके बाद मैं ले रही हूँ थोड़ा सा हाइलाइटर और अपने हाई पॉइंट्स पे थोड़ा सा हाईलाइट कर रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ पेंसिल लिप लाइनर है ये, तो मैं इसे एज अ लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये लिप्स पे लगाना अच्छा लगता है इसलिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा मेकअप ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब मैं आती हूँ हेयर स्टाइल की तरफ। तो गाइज, यहाँ पे एक सिंपल सा हेयर स्टाइल क्रिएट करने वाली हूँ मैं। तो यहाँ पर मैंने टेढ़ी मांग निकाली, उसके बाद में थोड़ी सी हेयर्स लिए, उसे मैंने ट्विस्ट ट्विस्ट किया। इसके बाद में प्रोसेस आप देख रहे हो जो कि बहुत ही सिंपल है और ये हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। गाइज, हेयर स्टाइल तो मुझे बहुत सारे आते नहीं हैं, तो बस कोई भी सिंपल सा हेयर स्टाइल क्रिएट कर लेती हूँ मैं। एंड हेयर इज़ डन विथ माई हेयर स्टाइल। तो यहाँ पर जो है मेरा हेयर स्टाइल बन गया, बहुत ही सिंपल सा, बेसिक सा। तो गाइस, ये वाला हेयर स्टाइल आप भी ट्राई कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद मैं कंफ्यूज थी कि मुझे ये वाले इयर रिंग्स पहने या फिर ये वाले। तो सोचते सोचते मैंने फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, मैं यही वाला पहनूंगी। तो उसके बाद में मैं ये वाला इयर रिंग पहन रही थी
और यहाँ पर जो है हमारा मेकअप लुक क्रिएट हो गया है। अब मैं यहाँ पर पहन रही हूँ बैंगल्स जो कि मैंने 3 कलर में ही लिया था, तिरंगे के कलर में, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला, तो इसलिए मैंने इसे लिया हुआ था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो गाइज यहाँ पर फाइनली मेरा तिरंगा इंस्पायर्ड मेकअप लुक कम्प्लीट होता है। तो आप बताइएगा कि आपको ये वाला मेकअप लुक कैसा लगा। एंड स्कूल वगैरह तो हम जाते हैं नहीं, तो घर पे ही ये वाला मेकअप लुक करके हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। एंड गाइज हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो ये वाला मेकअप लुक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड मैं मिलती हूँ आपसे मेरे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।